पड़ी हैं उन पे आकर के बैठना अपना सुनिश्चित करें। आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अपने स्थान पे सावधान की मुद्रा पे खड़े हो। मैं आप सब जो भी कार्यकर्ता मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं वो कृपया पूर्ण यादव जी राज्य मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार हमारे बीच में माननीय अन्नपूर्णा यादव जी एवं हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री आदर्श भाई मोहन जी जोरदार स्वागत करें। भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम जय जय श्री राम। भारत माता की जय भारत माता की जय जय श्री राम। वो आए और हमारे विशेषज्ञ और प्रदेश महामंत्री वरुण गोयल जी का माल्य पर कर स्वागत करें। भोलेनाथ का इतना भव्य मंदिर देखा आपने ना? बताइए देखा? सबने देखा है ना? इतना भव्य मंदिर इनको पता भी नहीं चल पाया जो कुछ समय पहले खून की नदियां बहाने की धमकी दिया करते थे। भैया अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है और काशी में मंदिर बन गया है और अब 22 में सरकार आएगी तो मथुरा का मंदिर भी बनवाने का काम योगी जी करेंगे। ये नौजवान साथी पूरे विश्वास और जोश के साथ में हम मथुरा की तैयारी कर चुके हैं ना? सबकी तैयारी है ना मथुरा की? और ये दाढ़ी वाला जो वो बकरा है ना जो बार बार हम हिंदुओं को धमकी देता रहता है उसे भी सबक सिखाना है। वो उत्तर प्रदेश में आकर भाषण दे रहा था, कह रहा था मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, योगी जी मत चले जाएंगे। तो मैं उससे कहता हूँ बेटा ओवैसी तेरा बाप गुड्डू राजपूत अभी बाकी है। और उसने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो चरखारी विधानसभा से चुनाव लड़के देख ले, उसे पता चल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद ये बुंदेलखंड और ये आला उदल की नगरी। यहाँ तो कहावत ही है, मैंने पहले कही एक के मारे कोई मर जाए और तीसरा सौ खाए मर जाए, मतलब समझ रहे हो? एक को किसको मानना है? ओवैसी मारा, दूसरा खौफ में अखिल है अखिलेश जी है और तीसरी तो प्रचार में ही नहीं निकल रही, तीसरा दल वाला तो अभी प्रचार में ही नहीं निकला। तो भैया ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की 350 सीटें पार इस बार उत्तर प्रदेश में हम लोग को लाने का काम करना है। 350 पार होंगी ना दोस्तों? 350 से एक भी कम नहीं होनी चाहिए। गुंडे माफियाओं ने बड़े बड़े होटल अवैध मकान बनाए थे उनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया। कुछ लोग तो उन्हें बुलडोजर बाबा कहने लगे,
और मैं तो कहता हूँ योगी जी अपना बुलडोजर और बड़ा कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में आपको पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी और जो बचे कुचे गुंडे माफियाओं की प्रॉपर्टियां हैं उन्हें भी आप बुलडोजर चढ़ाने का काम कीजिएगा। मगर योगी जी के बुलडोजर से समाजवादी पार्टी के मुखिया के पेट में दर्द होने लगा। वो कह रहे थे कि योगी जी ने जिनके ऊपर बुलडोजर चलाया है हम उनके घर बनवाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं मेरे दोस्तों कि जो गुंडे माफियाओं के घर बनवाएंगे उनकी सरकार आनी चाहिए या जो गुंडे माफियाओं के घरों पर बुलडोजर गिराएंगे उनकी सरकार आनी चाहिए? यादव कह रहे हैं कि हमारे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे और कह रहे थे यूपी में इस बार सपा की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? इसलिए हमने कहा कि जब अवसर मिला, जब मौका मिला उस समय उन्होंने नहीं किया। आज जब असंभव को संभव बनते जब वो देख रहे हैं, चाहे अयोध्या राम मंदिर की बात करें, काशी कॉरिडोर की हम बात करें, अब आने वाला समय मथुरा का ही है, तो निश्चित रूप से ये आम जन के मन में ये भाव है कि असंभव को संभव सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है।